मरवाही उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश के सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। पार्टियों में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। वहीं तोड़फोड़ की राजनीति ने बीजेपी और जोगी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोनों ही पार्टियों के कई नेता और पदाधिकारी अभी तक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मरवाही के संग्राम से पहले हो रही तोड़फोड़ की राजनीति पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है, जिसके चलते दबाव बनाकर तोड़फोड़ कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकाक दो जनप्रतिनिधियों को पिछले समय भी ब्लैकमेलिंग किए थे और ऐसे ही करके वो अपना ये दिखाना चाहते हैं। वास्तविक में कांग्रेस वहाँ कमजोर है। यदि कांग्रेस वहाँ कमजोर नहीं होती तो दूसरे को शामिल करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं थी। इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि कांग्रेस वहाँ पर आज भी उनमें आत्मविश्वास की कमी है और उनको लगता है कि शायद अपने भरोसे हमको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए दूसरे पार्टी की तरफ मुंह मार रहे हैं। कांग्रेस से छोड़ के अन्य जो पार्टी के लोग हैं उनको ब्लैकमेलिंग करके अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी डर रही है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव वो हार रही है, इसलिए इस तरह से, क्योंकि अभी वो शासन पार्टी में है तो डरा के धमका के दूसरी पार्टी के नेता लोगों को, कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों के बीच कांग्रेस का कहना है, बीजेपी और जोगी कांग्रेस के कुशासन को छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है, इसी के चलते लोग कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो अपने काम और विकास के दम पर मरवाही में जीत हासिल करेगी। 320 करोड़ की योजनाओं का जिस तरीके से वहाँ पर जिला बनने का एहसास वहाँ के लोगों को हो रहा है, वो सब लोग इस विकास के माध्यम से अपने जिले के विकास को लेकर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं और ये वही लोग हैं जिनके रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। जो जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और अभी भी आप देखते चलिएगा कि मरवाही की जनता इस बार फिर कांग्रेस के साथ आएगी और 70वीं सीट हम जीत के देंगे। मरवाही की सियासी लड़ाई में तोड़फोड़ की राजनीति का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले हो रही इस उठा पटक ने राजनीतिक दलों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। तोड़फोड़ ताबड़तोड़, जी हां, चुनाव से पहले कुछ इसी अंदाज में सियासत चल रही है मरवाही की। एक के बाद एक पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है और अपनी पार्टियों में शामिल करने की होड़ लगी हुई है। हालांकि ये जो तोड़फोड़ हो रही है भाजपा और जोगी कांग्रेस में ज़्यादा हो रही है। जोगी कांग्रेस के रूट लेवल पर काम करने वाले या कभी अजीत जोगी के करीबी रहे कई दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और भाजपा के भी कुछ नेता अब कांग्रेस में शामिल होने लगे हैं। हालांकि इसके पीछे जो नेता शामिल हो रहे हैं उनका तर्क है कि विकास की योजनाओं से प्रभावित होकर वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। हालांकि वो किसके विकास की बात कर रहे थे ये समय बताएगा। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वरिष्ठ प्रवक्ता, बहुत स्वागत। रजनीश सिंह है, बीजेपी विधायक, बहुत स्वागत आपका। भगवान नायक जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र जी, आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि चुनाव से पहले कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए तोड़ फोड़ ताबड़ तोड़ चल रही है। तोड़ फोड़ ताबड़ तोड़ नहीं है ये, वास्तविक में इसको आपको हेडिंग देना था, छोड़ छोड़ पार्टी छोड़। क्या है कि पिछले दो साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किया है जी, 2500 रुपए जो धान का भाव दिया, कर्जा माफ किया, किसानों के महत्व को दिया, छत्तीसगढ़ी भाषा को, संस्कृति को, यहाँ के खान पान को, यहाँ की कला को जिस तरह से बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी समझ में आता है। अब एक बात बताता हूँ शुक्ल जी, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसागिक संगठन ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की, वो आकर के मुख्यमंत्री को उन्होंने अभिनंदन किया है। बिल्कुल, वो बहुत पहले से मांग करते आ रहे थे अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। उसी तरीके से मरवाही की जनता पिछले कई वर्षों से जिले की मांग कर रही थी मगर उनकी मांगे पूरी हुई नहीं। अब इस सरकार ने जिला बनाने की मांग पूरी की है। आखिर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या योगी जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हो, वो ये यही से इसी उम्मीद से तो किसी संस्था के साथ जुड़ता है कि ये आएंगे, हमारा विकास करेंगे, हमारे हितों का संवर्धन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारे उन्नति में सहयोगी बनेंगे जी, विकास की योजनाओं से प्रभावित होकर सहयोगी बन रही है।
और मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य छत्तीसगढ़ में है नहीं, और योगी जनता तो किसी गिनती में ही नहीं है। तो चले मुख्य धारा की ओर चले, तो सब कांग्रेस पार्टी की ओर आ रहे हैं, और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के विकास, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की नीतियों को देख करके आ रहे हैं। हम खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, मैं रजनीश जी से भी हमने तोड़ फोड़ किया है जी, आपने जो बात कही छोड़ छोड़ वाली, रजनीश जी से पूछना चाहता हूँ। रजनीश जी, आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस तोड़ फोड़ कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नेता हवा को रुख भांप कर पार्टी छोड़ रहे हैं? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं माननीय शर्मा जी को एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने माना, कि उन्होंने कहा गौधन न्याय योजना की भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन ने उसकी प्रशंसा की मंत्री से मिलकर। तो कम से कम ये चीज तो है कि हमारे जो अनुसांगिक संगठन है उनका प्रमाण पत्र इनके लिए कितना बड़ा मायने रखता है, जिसको इनके बड़े नेता बार बार आरोप लगा रहते हैं, तो इनके लिए वो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, इस बात को माने, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं आता हूँ कि अभी जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कांग्रेस के इतिहास क्या रहा है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद माननीय अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने, 12 विधायकों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अपने इसमें दल बदल करवाया, और उसके बाद ये 3 साल में लगातार रोज पेपर में छपता था कि आज भारतीय जनता पार्टी के पंच शामिल हो गया, सरपंच शामिल हो गया, काम कुछ नहीं छपता था विकास का। और आज जनपद सदस्य शामिल हो गया, आज पार्षद शामिल हो गया, और इनके नेता बड़े बड़े बयान देते थे कि भारतीय जनता पार्टी 2003 के आते आते छत्तीसगढ़ में समाप्त हो जाएगी, जो अभी माननीय सुरेंद्र शर्मा जी अपना वचन बता रहे थे। 2003 के चुनाव में क्या हुआ, इनको समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, और 2003 में नहीं, 3 में, 8 में, 13 में, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने की है, ठीक है। और ये अभी भी इस धोखे में है कि हम, और अच्छा शामिल करवाना है, एक मजेदार बात अभिषेक जी और बताऊंगा, कुछ लोग जो हुए हैं वो पिंडरा से हुए हैं, कुछ लोग हुए हैं गौरेला से हुए, और वो क्षेत्र मरवाही नहीं है, उनका जो कार्य क्षेत्र है दूसरे विधानसभा, और उसी को करके ये खुश हो रहे हैं, आत्ममुग्ध हो रहे हैं, तो ये आत्ममुग्ध रहे, लेकिन ये निश्चित रूप से घबराए हुए हैं, परेशान हैं, और ये घबराए हुए हैं, परेशान हैं। मैं एक जोगी कांग्रेस भगवानों जी भी उनसे भी पूछ रहा था, भगवानों जी आप लोगों के तो दाएं बाएं राइट लेफ्ट आगे पीछे जो खासम खास थे सबको कांग्रेस ने शामिल करवा लिया। देखिए, कांग्रेस का डर और जो घबराहट है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि जब से मारवाही उपचुनाव की सुगबुगाहट इस प्रदेश में हुई, तब से देखेंगे आप लगातार कांग्रेस के द्वारा कई प्रकार की पैतरेबाजी, साम दाम दंड भेद की नीति, हथकंडे, यहाँ पर राज्यपाल महोदय को नहीं मालूम होता, कानून में संशोधन हो जाता है, दूसरा ऋचा जोगी की जाति पर सवाल उठ जाता है, 90,000 साड़ियाँ पकड़ा जाती है, फिर हमारे जो कार्यकर्ता है उनको सत्ता के बल पर, बाहुबल पर, धनबल पर किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। तो ये इनकी जो घबराहट और जो डर है ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। कांग्रेस ने दरअसल मारवाही जो उपचुनाव है उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, और हर हाल में इस सीट को जीत करके ये ऐसा समझ रहे हैं कि जोगी जी या उनके जो पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जोगी की जो पार्टी है वो नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और वैसे भी जितने भी लोग आज जो जनता कांग्रेस छोड़ करके गए हुए हैं, आज उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या उपेक्षा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो किस हाल में है। तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप जाए, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा क्या कमजोर नहीं हुई भगवानों जी, आप लोगों का दावा, क्योंकि माना जाता है जो लोग शामिल हुए हैं रूट लेवल पर वो लोग ही उसमें काम किया करते थे, ज्यादातर काम अजीत जोगी जी के चुनाव के समय, और अभी भी खास थे अमित जोगी के। देखिए अभिषेक, देखिए आदरणीय अभिषेक शुक्ल जी, देखिए राजनीति में इस प्रकार के जो है सत्ता बल के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, और दो अगर दो जाते हैं तो 10 जुड़ते भी हैं। अब हमारे साथ लगातार कार्यकर्ता ग्रामीण जुड़ भी रहे हैं, जोगी जी ने वैसे भी अनगिनत लोगों को इस प्रदेश में पहचान दी, आज उनके कई सारे जो उनके साथ चलने वाले आज बड़े बड़े पदों पर आसीन है, और नए आते हैं नए बनते हैं, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लोग सत्ता के लोभ लालच में, स्वार्थ में जाते भी हैं, लेकिन हमने देखा भी है जो कई सारे ऐसे साथी जो हमारे गए उनकी क्या उपयुक्तता हो रही है, क्या स्थिति है वहां पर,
वहां पर तो असली और नकली कांग्रेस की बात होती है और अपमानित भी होते हैं। दो लाइन में रजनीत जी की बातों को भी कहूंगा कि उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ शब्द कहे थे। देखिए जोगी जी जो 12 विधायक को बात किए थे वो चुनाव काल में उन्होंने प्रवेश नहीं कराया था। मानी जोगी जी का राज्य गठन के बाद उनका कद इतना बड़ा था, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि लोग उनसे प्रभावित होकर के वो दल बदल करते थे या उन पर जाकर के उनसे लेकिन 2003 का भगवानू जी वो वाकया भी किसी को याद नहीं होगा, कोई भूला नहीं होगा वहां पर कि जो आरोप लगे थे दल बदल के और जिसकी वजह से कार्रवाई तक झेलनी पड़ी थी पूर्व मुख्यमंत्री को। बहरहाल हम आज मरवाही की बात करेंगे। सुरेंद्र जी, तोड़फोड़ की बात कर ली जाए या आपके विकास कार्यों से प्रभावित होकर जैसा आप बोल रहे हैं कि कई कार्यकर्ता कांग्रेस भाजपा की और जोगी कांग्रेस के आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कई आपके भी नाराज़ बताए जा रहे हैं कि टिकट को लेकर, बाहरी और अंदरूनी टिकट को लेकर भी कुछ नाराज़ हैं, वो भी बगावती तेवर वहाँ पर अपनाए हुए हैं, तो ये झटका आप लोगों को भी लग सकता है, आप लोगों को कैसे साधेंगे? अभिषेक जी, इस बात का मैं जवाब दूं उसके पहले मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं विशेष तौर पर रजनीश भाई को। यदि पिछले 2018 के चुनाव की बात है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राम दयाल विखे जो कि मरवाही विधानसभा के बाजू के पाली तानाखार के विधायक थे और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, ठीक विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो दल बदल करवाया, तोड़फोड़ उसको कहते हैं, किस तरह से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि पाली तानाखार से लगातार चुनाव जीत रहा था और वो उसको किस प्रलोभन में, किस दबाव में, किस तरह से उनको तोड़फोड़ किया गया और राम दयाल उइके जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जब करते हैं तो ये गंगा, इनकी जो पार्टी है वो गंगा है, कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और कोई आदमी विचारधारा से प्रभावित होकर के कांग्रेस में आता है तो वो तोड़फोड़ है। पर भाजपा उसको घर वापसी बोल रही थी, वो धमकी है, जबकि वास्तविक, अच्छा जहां तक प्रश्न आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का किया, जो प्रश्न किया है जी जी, तो सीधी सीधी बात ये है कि जिस भी दल में ज्यादा दावेदार होंगे और वो जब टिकट की घोषणा होगी तो कुछ समय के लिए असंतोष अवश्य होगा जी, इस बात को स्वीकार करने में मुझको कोई कतई आपत्ति नहीं, क्योंकि देखिए आदमी का काम करता है, उसकी अभिलाषा होती है, महत्वाकांक्षा होती है और दूसरी बात हर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं विधायक बनने के लायक हूँ। बिल्कुल, मगर एक पार्टी, एक दल में काम करने वाला व्यक्ति एक बार टिकट डिक्लेयर हो जाने के बाद वो उस दल के लिए एक दो दिन बाद ही सही काम करना आरंभ करता है और जो वातावरण मरवाही में बना हुआ है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमको काम करने में ही उचित है, क्योंकि कांग्रेस की वहां पर मरवाही में हवा बह रही है, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और इसलिए भी लोगों की महत्वाकांक्षा में बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, ये दावे यहां पर आपके। भगवानू जी, ये बात बार बार कांग्रेस कह रही है कि वो वहां पर जीत रही है, विकास के दावे कर रही है, इस वजह से लोग उसके पास आ रहे हैं, आप लोगों के पास क्या कार्ड बचा है? क्योंकि बहुत से लोग पार्टी छोड़ चुके हैं जो आप लोगों के रूट लेवल पे काम करते थे, ऐसे में क्या इमोशनल कार्ड ही आप लोगों के पास एक दांव बचा है? देखिए ऐसा नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो जोगी परिवार का नाता है ये 20 वर्ष पुराना है और लगातार आदिवासियों की जो सेवा किए, एक जो पारिवारिक संबंध उन्होंने स्थापित किया, एक छोटे से लेके बड़े काम तक वो खुद फोन करके और खुद जा करके जिस तरीके से वहां पर काम करते थे उनका परिणाम था कि 20 साल तक मरवाही की जनता उनसे प्यार करी, उनको जितवा करके लाई और ऐसे समय में भी जब एक नई पार्टी बनाते हैं जहां पर पूरा कांग्रेस का लहर 2018 के विधानसभा में था और पर, इतनी पर, बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी हासिल हुई, अब कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ जैसा आप बोल रहे हैं, तीसरे स्थान पर विकास के दरवाजे खोल दिए हैं, जिला बना दिया है, खजाने के द्वार खोल दिए हैं, कई विकास कार्यों की बात की है, बहुत से वादे भी किए हैं, ऐसे में जनता को लगेगा कि जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तो वो कांग्रेस की तरफ रुख कर सकती है और आपके कार्यकर्ता भी टूट रहे हैं। देखिए अभी तक सिर्फ घोषणाएं हुई है, काम कोई भी जमीनी स्तर में नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि इन्होंने जिला की घोषणा किया है
लेकिन जितने भी घोषणा हुआ है उस पर एक भी अमल नहीं हुआ है। और जनता ये ठीक सीरियस समझती है ये कि जब तक जोगी जी जीवित थे इससे पहले कांग्रेस कभी उस ओर रुख नहीं की, कभी उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं गया, और अभी अचानक अगर इतना उमड़ा प्यार उमड़ा है तो कहीं ना कहीं वो उस सीट को हासिल करने के लिए और जोगी जो पार्टी है उसको कमजोर दिखाने के लिए कर रही है, तो वहां की जनता समझ रही है। और रही बात कार्यकर्ताओं को टूटने की या नेता की जानी, तो मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज है। गांव गांव में बस्तर के सुदूर अंचल और सरगुजा तक में आज हमारे गुलाबी झंडा वहां तक पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से हमेशा की तरह हम फिर से जीतेंगे और जीत करके आएंगे। ठीक है रजनीश जी, आप लोगों के दावे क्या हैं? आप लोगों के भी पार्टी टूट रही है, कई अभी सरपंच वगैरह जो जो कांग्रेस में शामिल हो गए, आप लोग किस आधार पर जीत कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो सत्ता में है, विकास के दरवाजे खोल दिए, जो कि कांग्रेस के पास इमोशनल कार्ड है। आप लोगों के पास क्या है, किस आधार आप लोग प्रचार करेंगे, किस आधार पर जीत के दावे करेंगे? अभिषेक जी मेरे से प्रश्न की क्या? जी रजनीश जी आपसे ही। जी जी मेरे को थोड़ा सा ये अभिषेक जी, कांग्रेस यहाँ पर जो दल बदल हो रहा है ये वास्तविकता है। यहाँ पर आएंगे तो पता लगेगा कि दबाव दे करके, अरे कई लोग तो अभी शिकायत कर रहे थे, मैं आज मरवाही में ही हूँ, कि जमीन नाप दे रहे हैं, उनका शिकायत मतलब आपसी दुश्मनी कर रहे हैं इसमें चुनाव में, ये चुनाव न करके, और ढेर सारी शिकायतें हैं। तो ये जो कर रहे हैं यहाँ दबाव से जैन प्रतिनिधियों कर रहे हैं, कोई कार्यकर्ता शामिल इनके दल में इनसे प्रभावित होकर नहीं जान रहे हैं, इनको सबको ये दिखने लगा है कि 3 साल के बाद इनकी नैया डूबने वाली है, तो इनसे कोई प्रभावित नहीं है। सत्ता दम पर और अन्य साम दाम दंड भेद लगा करके जिनको शामिल करवाना है करवा लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के साम दाम दंड भेद ही सही। क्या आप मान रहे हैं कि स्थिति कमजोर हो गई है और कांग्रेस की मजबूत हो गई है ऐसे कांग्रेस में जाने से लोगों के? बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, आप देखिएगा रिजल्ट जिस दिन आएगा, बिल्कुल कांग्रेस ये सब इसलिए कर रही कि हताशा में 69 सीट होने के बाद इसलिए कर रही है कि कहीं ये सीट हार गए तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा कि 20 महीने के अंदर ही इस सरकार के लोग सब नाराज हो गए, इतना सब जतन करने के बाद, इतना सब करने के बाद, सारा तंत्र मंत्र लगाने के बाद भी यहां से पराजित हो रहे हैं, और जो होगा इसलिए कि यहाँ की जनता सब समझ चुकी है, देख रही है, ये अभी जितने 3 तारीख तक जितना भी रजनीश जी मेरा सवाल फिर वही था कि जो चीज पिछले 20 साल में नहीं हो पाई वो अब आप लोग उम्मीद कैसे कर रहे हैं? सत्ता में रहते हुए आप जिस सीट को नहीं जीत पाए आप कैसे जीते? 1998 में मरवाही सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी, और निश्चित रूप से मैं इस बात को मानने में कोई मुझको संकोच नहीं है कि मरवाही क्षेत्र में जोगी जी उनके परिवार का प्रभाव रहा है, अभी भी है, और जब जोगी जी मुख्यमंत्री रहते हैं उनके लिए सीट खाली हुआ तो 20 साल वही लड़े, तो वो अजीत जोगी की जीत थी, कांग्रेस नहीं जीती थी, और उन्होंने सिद्ध किया 2018 में जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के जीत की। तो हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं, इस बार भी जोगी परिवार का प्रभाव रहेगा आप मान रहे हैं? बिल्कुल जोगी परिवार का प्रभाव है, मैं बोल रहा हूँ है, था और है, इस बात को हम नकारेंगे। मतलब आप दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, तीसरे नंबर के लिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रही है, संगठन के दम में, नेतृत्व के दम में, और यहाँ के जो मतदाता है उनको लगने लगा है। आप मान रहे हैं तो फिर आप क्या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं? जी 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 अभिषेक जी, आप दूसरे नंबर या तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या इस बार? आप मान रहे हैं जो भी कांग्रेस का अभी भी प्रभाव है जोगी जी का? मैं ये मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मैं दूसरे तीसरे नंबर, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी भी प्रभाव है जोगी कांग्रेस का, जोगी जी का? आप देख लीजिएगा पिछले समय 20,000 वोट पाई थी, इस बार थोड़ा बहुत 19-20 रहने वाले हैं, ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। उनको 15 साल में जो उनका गाँव का विकास हुआ है, उनके परिवार का, उनका व्यक्तिगत जो जीवन में जो बदलाव, शिक्षा दीक्षा में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में जो बदलाव 15 साल आया था, जो एक आर्थिक जो सक्षमता जो बदलाव लाने की आप बात कर रहे हैं, पर सत्ता में रहते हुए वो बदलाव जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, बदलाव लाए पर जनता ने माना नहीं, तभी तो आप लोगों को जिताया नहीं वहां पर। खैर मैं सुरेंद्र जी के पास आता हूँ, सुरेंद्र जी एक सीट ठीक है अभिषेक जी, मैं मान रहा हूँ मरवाही नहीं जीते, लेकिन 15 साल तक से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, तो इस बार भी सिर्फ आप आशीर्वाद से खुश हो जाएंगे फिर रहेगा। सुरेंद्र जी क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी पूरे मन से नहीं लड़ रही है, उसका मकसद कांग्रेस को हराना ज्यादा है? निश्चित रूप से इन्होंने 15 साल में जो बदलाव किया
उसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने इनको सत्ता से बेदखल करके इनको बदल दिया। अब दरअसल में भारतीय जनता पार्टी इस बात पे डिपेंड है कि वो कुछ कर दे तो हमारी बात बन जाए, और दुश्मन के दुश्मन बराबर दोस्त वैसे भी क्या है। काफी समय से ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जनता कांग्रेस, ये दोनों का मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही इनका है नारा। तो आप समझ लीजिए, तो 2017 में शर्मा जी योगी जी तो 2017 में अलग हुए, 2000 से 2017 तक तो आपके बड़े नेता थे, तो हमारे साथ कहां सुर मिला दिए, दो ही साल में आपका सुर बिगड़ गया। बने नहीं ताको करो उपाय, अब बिगड़े दूध बिलो इससे कभी न माखन आए। दुबे जी मैं बोल रहा हूँ, 2017 में अजीत जोगी जी कांग्रेस छोड़े हैं, 2000 से 2017 तक तो आपके बड़े नेता थे, आपने उनको क्या क्या चुनाव नहीं लड़वाया, कहाँ कहाँ नहीं लड़वाया, तो हम लोग के साथ आप बता रहे हैं दो ही साल में आप लोग इतना घबरा गए, दो ही साल में आप लोग को लगने लगा। मगर पूरा छत्तीसगढ़ आपके नेता थे, 8 में आपके नेता थे, 13 में आपके नेता थे जोगी जी, तो कहाँ हम लोग के सुर में सुर मिल गया। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। भगवानों जी, आप लोगों पर बार बार आरोप लगता है भाजपा की बी टीम होने का, भाजपा कांग्रेस की बी टीम होने का आरोप लगाती है, कैसे इस छवि से निकलेंगे? पहली बार एक बड़ी चुनौती है, कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं, जोगी जी जो अब तक वाकई वहां उनकी मौजूदगी रहती थी, उनका चेहरा होता था, वो भी नहीं है, बिना अजीत जोगी के आप चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। देखिए, इस प्रदेश में जोगी जी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा रही, वो इतने बड़े शीर्ष नेता थे कि आज उनके चेले और कितने नेता आज छत्तीसगढ़ शासन के बड़े बड़े पदों पर है, और जोगी जी इतना बड़ा व्यक्तित्व, तो कभी किसी की बी टीम नहीं होती है, वो कभी किसी के पीछे चलने वाले नहीं थे, लोग उनके पीछे चलते हैं। दरअसल जब कांग्रेस के पास कुछ रहता नहीं है जोगी जी के खिलाफ बोलने के लिए, तब वो बी टीम की बात करते हैं और जोगी जी के प्रति इस प्रकार का वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दरअसल कांग्रेस से अलग होने के बाद जोगी जी ने एक पार्टी को खड़ा कर दिया अपने दम पर, अपने दम पर उन्होंने एक गठबंधन करके 7 सीटें लाया, 14% वोट लाया, और ये जो आज चुनाव, ये जब डिबेट में जब बैठते हैं मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, 20 महीने में आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इतने बड़े मंडेट दिया, इतनी बड़ी जीत दिलाई, लेकिन आपने काम क्या किया? भगवानों जी, एक सवाल और था मेरा, प्रोजेक्ट नहीं, कोई योजना नहीं है, बार बार कांग्रेस का ये आरोप है, विपक्ष का ये आरोप लगता है कि आप लोग का कॉन्फिडेंस वहां खत्म हो गया है मरवाही में, इसीलिए बार बार आप लोग सीट छोड़ देने की भी बात कर रहे हैं, बार बार ये बातें ऐसी सामने आ रही है कि आप लोग बोलते हैं कि सीट छोड़ देनी चाहिए जोगी परिवार के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, हार का डर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए हमने कभी भी नहीं बोला कि सीट छोड़ दिया जाए, रेणु जोगी जी ने कई बार कहा इस बात को, करके वहां पर काम कर रहे हैं अमित जोगी जी धुआंधार, भगवानु जी रेणु जोगी जी ने कई बार कहा है, देखिए वो एक सौम्य सरल व्यवहार की एक, देखिए एक वो ममतामयी सौम्य सरल व्यक्तित्व की धनी है, उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि वो क्या टिप्पणी की है, लेकिन अभी हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है, हमारे प्रत्याशी है माननीय अमित जोगी जी, पूरी दमदारी के साथ वो जाकर के वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और वो जोगी जी को मिस कर रहे हैं, वो देख करके उनके आंखों में आंसू झलक रहे हैं, वो फिर से उनके पिता के स्थान पर वहां पर बैठा रहे थे। मैं बात कर रहा था विकास की, तो 20 महीनों में इन्होंने कोई भी ऐसा विकास नहीं किया, ये कोरोना से नहीं लड़ पाए, यहां पर अपराध का गढ़ बन गया, केस काल में देखिए किस तरीके से आरोपियों के साथ मिलकर के वहां पुलिस के द्वारा मामले की लिपापोती की जा रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गए, यहां पर गांजा कोकीन जैसे चीजें, मतलब छत्तीसगढ़ में जो चीज कभी देखने को नहीं मिली थी, लॉकडाउन में गोली चल जाता है, पत्रकार के ऊपर हमला होता है, ठीक है, अभी तो हम मरवाही की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं मरवाही में जनता क्या सोचती है, मरवाही की जनता को कितना विकास भाता है, कितना परिवार का प्रेम भाता है, या फिर जो दावे भाजपा कर रही है वो उसे भाते हैं, लुभाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बड़ी अहम लड़ाई और दिलचस्प लड़ाई होती चली जा रही है मरवाही में, रोज एक नया एंगल सामने आता है, कभी जाति विवाद सामने आ जाता है, कभी विकास के दावे आते हैं, खजाने खोल दिए जाते हैं, तो कभी तोड़ फोड़ मचने लगती है और एक दूसरे में दल बदल जैसी चीज़ें भी सामने आने लगती हैं, लेकिन दावों में किसी के फिलहाल कमी नहीं है, और दावों की हकीकत क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा, 3 तारीख को जब जनता अपने मत को लॉक करेगी और 10 को जब जनता का जो मत है वो सबके सामने आएगा। आज का मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।